आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। मैं हूं राम सुंदर। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए विजिट करें www.kmasnews.com। आइए आपको लेके चलते हैं अपने संवाददाता के पास। के मास न्यूज की ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। मैं नगर विधानसभा मंजू सरोज, बीजेपी प्रत्याशी ने विपक्षियों पर जमकर साधा निशाना। आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा क्षेत्र के तरवा गांव में एक जन चौपाल को संबोधित करते हुए मंजू सरोज ने कहा कि इस बार इतिहास बदलेगा और मेहनगर में कमल खिलेगा। उन्होंने और कहा कि आज तक अन्य पार्टियों के विधायक बनते चले आ रहे हैं, लेकिन विकास के नाम पर आज भी मेहनगर पिछड़ा हुआ है। मीडिया से बातचीत करते हुए मंजू सरोज व ब्लॉक प्रमुख सोनू सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बावन विधानसभा मेहनगर में कैसी है आपकी तैयारी? बहुत अच्छी है और जनता जनार्दन का हमको आशीर्वाद मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है और निश्चित है कमल खिलेगा। इस बार विकास के किन मुद्दों को लेकर आप 352 विधानसभा मेहनगर में आई है जनता के बीच? जी, मेरा चौमुखी विकास का मुद्दा है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं, आप मीडिया प्रभारी, आप सभी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी, कि यहाँ पे मेहनगर बहुत ही विकास के नाम पे पिछड़ा है और यहाँ पे सिर्फ सपा और बसपा का ही गढ़ रहा है। विपक्ष लगातार आप पे आरोप लगाता है कि यह सरकार भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पे आदि पे फेल हुई है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? शायद वो भूल गया है, ये नरेंद्र भाई मोदी और महाराज योगी जी का है कि सबका साथ सबका विकास, और वो सभी, चाहे युवा भाई हो, चाहे हमारी बेटियां हो, और रोजगार हो या किसी भी तरह से हो, सब पे अच्छा मतलब रोजगार मिल रहा है और सब कुछ हो रहा है। या भ्रष्टाचार तो बिल्कुल नहीं है। अगर भ्रष्टाचार होता तो बाबा जी बुलडोजर अपने पे नहीं और दूसरे पे नहीं, अपने पे होता ना, ये तो गलत है। और भ्रष्टाचार होने के नाते ही तो बाबा जी बुलडोजर चला रहे हैं। अगर आप चुनाव जीत कर आती हैं तो जनता के लिए क्या सौगात होगा और क्षेत्र में विकास के किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे समाज में? जी, जनता जनार्दन मुझे विजयश्री दिला रही है तो मैं चौमुखी विकास करूंगी। 22 में योगी जी, 27 में योगी जी, गाना सुनिए, अपने आप मान लीजिए वही सत्य। अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें आजमगढ़ अछूता नहीं रहा, 10 विधानसभा सीट है यहाँ पे और समाजवादियों का गढ़ बोला जाता है। इस बार उसमें भारतीय जनता पार्टी कितना सेधमारी कर पाएगी? ये अमेठक टूटने वाला है कि आजमगढ़ सपा का गढ़ बोला जाता था, सपा का गढ़ बोला जाता था, उसमें सीटें वो जीत के आए थे, ये हकीकत है। लेकिन तब तक चुनाव कैसे भी नेतृत्व में किसी भी पार्टियाँ लड़ी जाती थी, ऐसा ईमानदार नेतृत्व बिना जात बिरादरी का चुनाव और विकास के मुद्दों पे चुनाव, प्रथम चुनाव है भारतीय इतिहास में जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार की मुद्दे के बिना लड़ा जा रहा है, ये प्रथम चुनाव है ऐसा। उत्तर प्रदेश की पूरी ऐतिहासिक आप पृष्ठभूमि देखेंगे तो प्रथम चुनाव है जो कि भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सरकार ईमानदार, और जब सरकार ईमानदार होती है तो जनता जहाँ की वोट नहीं भी देती वहाँ भी जानती और समझती है चीज़ों को कि हमने कैसे गलत आदमी को चुन लिया था। तो इस बार ये मिथक पूरा टूट रहा है, आजमगढ़ नहीं उत्तर प्रदेश से ही भारतीय जनता पार्टी और भारतवासियों का गढ़ होने जा रहा है कि वो 10 तारीख के बाद जितने भी अपराधी हैं, भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, वो 10 तारीख के बाद अपनी तैयारी कर लें। जिस तरह एक चूहा बिल में चला जाता है, जब हमारी सरकार बनेगी, योगी जी की सरकार बनेगी, तो 10 तारीख के बाद वैसे ही चले जाएंगे जैसे एक चूहा बिल में चला जाता है। यही मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। क्या इस बार इतिहास बदलेगा? 352 विधानसभा मेहनगर में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से जीत हासिल करेंगी, और कैसी है आप लोग की तैयारी? यानी हम लोग की पूरी तैयारी चल रही है, अब जनता जाग गई है, क्योंकि उन लोग जो इसके पहले विधायक हैं उनका 5 साल का पूरा कार्य देख चुकी है, वो कहीं पे कुछ नहीं। जब जी